नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुषी और आप देख रहे हैं इयान टीवी। आज हम बात करेंगे मणिपुर पे घटित घटना के बारे में, जहाँ पे सभी को जानकारी है कि सोशल मीडिया पर दो औरतों की एक निर्वस्त्र तस्वीर सामने आई, जहाँ पे उनको पूरे मोहल्ले के अंदर निर्वस्त्र करके हजारों आदमियों के द्वारा चलवाया जा रहा था, जहाँ पर कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और बहुत ही जानने वाले लोगों ने अलग अलग अपनी टिप्पणियां देते हुए इसके ऊपर आश्वासना जाहिर की गई है। आज हम जानेंगे शाहीन से कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है। इस मुद्दे पर जो लड़कियों के साथ है वो बहुत गलत है, और किसी भी लड़कियों के साथ किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके हस्बैंड, उनके भाइयों को भी जान से मार दी गई, और एक लड़की के साथ रेप भी हुआ, जो कि गलत है। इसे प्रधानमंत्री ने भी निंदा करते हुए बोला है कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, और बहुत से बॉलीवुड एक्टर भी इस पर ट्वीट करते हुए अपनी आक्रोश जताई है और बोला है कि जिन्होंने ये किया है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ शाहीन। इससे पहले हम जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे में हुआ क्या है, ये सब ऐसा क्यों हुआ, तो विशाखा हम लोग को इस बारे में बताएगी। अनिशी, आप देख सकते हैं कि मणिपुर घटना के सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण, जैसे कि उनकी हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ना, मतलब एक खुद में ना बहुत सारे ट्राइब्स बन चुके हैं वहाँ पे, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो अपने अपने खुद के एक मिलिट्री बना के रखे हैं, और वहाँ पे एक ड्रग डीलिंग, वहाँ पे ड्रग्स की बहुत बड़ी इशू बन चुकी है, वहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग इतनी कॉमन बन चुकी है, वहाँ पे खेती होती है ड्रग्स की, वहाँ मणिपुर से इंसर्जेंट्स आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, और वो सब मिलके ड्रग्स इतने सारे ड्रग्स स्मगलर्स हो चुके हैं, इतने मतलब ड्रग एडिक्ट बच्चे हो चुके, आदमी हो चुके, इतनी पॉपुलेशन इतने ड्रग एडिक्ट हो चुके, कि ये भी वन ऑफ द मेन रीजंस। और जहाँ मैथीज वो वहाँ उनकी पॉपुलेशन मणिपुर में ज़्यादा मानी जाती है, डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है वहाँ पर, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में उनको मतलब उनको चाहिए कि उनको शेड्यूल ट्राइब्स में उनको मतलब माना जाए, बट एज एन बहुत बहुत बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो चलिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो अब हम चलेंगे साकेत के ऊपर। जैसे कि इसने बोला हमारा मणिपुर, जो हमारे देश का मणिपुर है वो जल रहा है, तो सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, मणिपुर की सरकार ने इस पर क्या बयान दिया है? मणिपुर की सरकार ने इस पर बयान दिया है कि हम सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर की सरकार ने बयान दिया है कि हम इस हिंसा की कार्रवाई पर पूरी तहकीकात कर रहे हैं, और छानबीन भी अभी जारी है, तथा केंद्र सरकार की भी सहयोग की अपील की गई है, और केंद्र सरकार ने भी पूरे सहयोग से अपने कदम बढ़ाए हैं, तथा SPF को मणिपुर में नियुक्ति की गई है। और प्रधानमंत्री का इस पर क्या कहना है इस विषय पर? प्रधानमंत्री का ये कहना है कि पूरा देश इस घटना के बाद आक्रोश में जल उठा है, तथा ये जो हमारे देश की वायलेंस हो रही है ये काफी निंदनीय है, इसको किसी भी तरह से ठीक सही नहीं ठहराया जा सकता है, तथा प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि उनका दिल पूरा आक्रोश से भरा हुआ है, और जो ये अपराधी हैं और जो भी इसमें सपोर्टिंग एलिमेंट है उनको किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है साकेत, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इससे भी बड़ा मुद्दा ये उठता है कि ये पूरी घटनाक्रम 2 महीने पहले हुई थी, और जिसका खुलासा अभी 2 महीने बाद किया गया है, तो ऐसे कितने मुद्दे और हो सकते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो त्रिशिता, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी, और मणिपुर की सरकार को इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए था जो इसने नहीं लिया? मणिपुर की सरकार को महिलाओं की सेफ्टी के लिए काफी ध्यान रखना चाहिए था कि आगे किसी, जैसे अभी इन महिला के साथ, आगे किसी भी महिला के साथ इस तरह निंदा ना हो, और उनको इस केस के लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा करेगा तो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई देंगे। और इस पे लोगों ने काफी टिप्पणियां दी है कि ये गलत है, और हमारे संस्कृति को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए, और काफी एक्टर्स ने इस पे टिप्पणी दी है कि इसको जल्दी से जल्दी इस पे लोगों को सजा दे, जिन्होंने ये काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि आप सभी ने बताया कि जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो कि सबको दिख रहा है ये बहुत ही गलत हुआ है, ये खाली बात मुद्दों की या फिर दो ट्राइब्स की लड़ाई के बीच में नहीं, बल्कि ये पावर के ऊपर थी, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अभी तक की हमारी तरफ से यही मणिपुर की तरफ से अपडेट थी। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए ईआन टीवी। थैंक यू।